दोस्तों अगर आप YouTube में मेंबरशिप होता उनको अगर आप इनेबल कर लियो, यानी कि दोस्तों YouTube में जो ज्वाइन बटन होता है उसको आप लगा लियो, इनेबल कर लियो, तो दोस्तों यहाँ पर जो इमोजी होता है वो लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप इमोजी कैसे लगा सकते हो एंड दोस्तों उनका जो नाम होता है वो कैसे लगा सकते हो, कैसे लिख सकते हो, कैसे टाइप कर सकते हो। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखो लिखा हुआ आ रहा होगा कि अपलोड योर इमोजी। ठीक है, अगर आप मेंबरशिप को इनेबल कर लियो दोस्तों यहाँ पर जो इनका मतलब कि इमोजी होता है वो लगाना ज़रूरी पड़ जाता है। ठीक है, तो वो कैसे लगाओगे वो आज मैं आप लोग को सिखलाने वाला हूँ। एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का एंड कुछ इस तरीके का जो इमोजी होता है वो कहाँ से डाउनलोड करोगे, कैसे डाउनलोड करोगे फ्री में, वो भी आप लोग को मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर करना क्या होगा, इमोजी सेट करने के लिए, इमोजी लगाने के लिए आपको यहाँ पर प्लस का ऑप्शन शो कर रहा होगा, तो आपको यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। एंड जैसे यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो आपका गैलरी होता है वो खुल जाता है। ठीक है, तो अब आप लोग को यहाँ पर करना क्या होगा, जो जो आपको यहाँ पर कोई भी इमोजी आप लगाना चाहो तो उस इमोजी पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से एडजस्टिंग का ऑप्शन आएगा, तो आप अपने अनुसार से यहाँ पर इस इमोजी को एडजस्ट कर लोगे। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, सेव के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एक करके यहाँ पर सारे में जो इमोजी होता है वो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जितने भी इमोजी है उनको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर दूसरा हो गया, यहाँ पर तीसरा भी इमोजी कोई भी एक ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेव पर मैं क्लिक करता हूँ, और फिर से यहाँ पर जो लास्ट है फोर्थ में है उसको भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना, कोई भी इमोजी आपको यहाँ पर ले लेना है। ठीक है, एंड यहाँ पर जैसे इमोजी को आप लगा देते हो देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उस इमोजी के रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ नाम डालना है। ठीक है, आप अपने अनुसार से कुछ भी डाल सकते हो, जैसे यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना, कुछ भी एक नाम को डाल देना। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लवली कुछ भी यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लवली डाल देता हूँ। एंड दोस्तों आप लोग यहाँ पर जैसे लवली नेम मेंशन कर देते हो यहाँ पर आप लोग को हाइपर नहीं छोड़ना है। ठीक है, आप लोग कुछ इस तरीके से कर देना है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि यहाँ पर आप हाइफन छोड़ दोगे तो कुछ इस तरीके से रेड आ जाएगा, तो आपको लगे कोई दिक्कत हो गया नहीं। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, हाइफन नहीं छोड़ना है, आप लोग कुछ इसी तरीके से रहने देना है। एंड यहाँ पर आप लोग को जो भी नेम अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वाव लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से वाव लिख देता हूँ। एंड यहाँ पर लिख देता हूँ बेस्ट ऑफ लॉक। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपने अनुसार से कुछ भी नाम को लिख देना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लॉक। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर तीन कैरेक्टर में नहीं ले रहा है, तो आपको सिर्फ एक ही लाइन में जो आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर वेस्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आप कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइक। ठीक है, यहाँ पर लाइक लिख देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहले इमोजी को ले लेना है। ठीक है, आप इमोजी को आप चार तरीके से, चार वो होता है जो चार वो आपको यहाँ पर सेट करना है, और चारों का यहाँ पर नाम को डालना पड़ता है। ठीक है, देन उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हो कि सेव एंड पब्लिश का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, तो सेव एंड पब्लिश के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, सेव एंड पब्लिश के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। एंड जैसे सेव एंड पब्लिश के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से लोडिंग लेंगे, एंड दोस्तों जो आपका इमोजी होता है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, यानी कि अपलोड हो जाएगा। तो अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि आखिर जो इमोजी से मैंने सेट किया हूँ तो वो कहाँ से डाउनलोड किया और कैसे डाउनलोड किया हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ पर बैक आ जाना है, एंड यहाँ से आप लोग कोई भी एक ब्राउजर को ओपन करना, तो यहाँ पर गूगल को ओपन करता हूँ। एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है इमोजी। ठीक है, यहाँ पर कोई भी टाइप करना है इमोजी। ठीक है, यहाँ पर आपको टाइप करना है इमोजी एंड यहाँ पर HDPNG। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से HDPNG जैसे देख सकते हो दोस्तों, इमोजी HDPNG। एंड यहाँ पर अगर चाहे तो कुछ यहाँ पर पीछे यहाँ लिख देते हो स्माइल, यहाँ पर बैक करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्माइल PNG, स्माइल इमोजी HDPNG। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। एंड यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि जो आप यहाँ पर टाइप किए उसके अनुसार से यहाँ पर इमोजी आ गया है। एंड यहाँ पर इमेजेस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो इमेजेस होते हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, वो जितने भी देखे इमोजी वो सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, और ये सब के सब PNG में रहेंगे, तो आप यहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर जो आपका मेंबरशिप में होता है वहाँ पर आप लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर कोई भी मैं आप लोगों को डाउनलोड करके मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर जस्ट लाइक मैं इसको यहाँ पर क्या करता, इस पे मैं क्लिक करता हूँ एंड थोड़ा देर आप इस पे प्रेस करके रखोगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको हो जाएगा। एंड यहाँ पर थोड़ी देर आप प्रेस रखोगे, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रेस रखोगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड इमेज का ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो ये जो इमेजेस होंगे वो आपके गैलरी में डाउनलोड हो जाएंगे। एंड दोस्तों वहाँ से आपको क्या करना है, जब यहाँ से आप डाउनलोड कर लेते हो तो वहाँ से आप अपने मतलब YT स्टूडियो में जाना है। एंड वहाँ पर मैं जो प्रोसेस बताऊँ उसके अनुसार से आपको क्या करना है, मेंबरशिप में
इमोजी को सेट कर देना है, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो फिर मिलते कोई न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।